शाहरुख खान ने ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों के अलावा लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है जिसके लिए लोग हमेशा उनको याद करते हैं। हाल ही में उनका एक किस्सा इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आर माधवन शाहरुख खान के बारे में खुलासा करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो 2 साल पहले यानी कि साल 2022 का है, जब आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट रिलीज होने वाली थी। फिल्म के प्रमोशन के वक्त आर माधवन ने शाहरुख खान का रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट से जुड़ने का एक किस्सा शेयर किया जिसके लिए उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए थे। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के प्रमोशन के लिए आर माधवन दिल्ली में आए थे। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान ने खुद ही उनसे फिल्म में कोई भी रोल करने की बात कही थी। उन्होंने किस्सा शेयर करते हुए बताया कि शाहरुख खान ने उनसे उनकी फिल्म के बारे में अपडेट लिया, जिसको सुनने के बाद उन्होंने उनसे फिल्म में रोल करने की बात कही। आर माधवन ने कहा, शाहरुख ने मुझसे कहा कि मुझे फिल्म का हिस्सा बनना है, मुझे बैकग्राउंड में भी कोई भी रोल चलेगा। मैंने पहले सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, जबकि शाहरुख ने कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। बाद में मैंने उनको मैसेज में ही थैंक यू लिखा था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मुझे उनके असिस्टेंट का कॉल आ गया। उनके असिस्टेंट ने कॉल पर आर माधवन से शाहरुख खान की डेट के बारे में पूछा और उस वक्त भी उन्हें लग रहा था कि शाहरुख खान मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनके असिस्टेंट ने मुझे कंफर्म किया कि शाहरुख इस फिल्म में रोल को लेकर मजाक नहीं कर रहे हैं। आर माधवन ने कहा, मैं अपनी फिल्म में शाहरुख खान को बैकग्राउंड में पास नहीं करा सकता, हालांकि फिल्म में एक रोल है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उनकी असिस्टेंट ने उनसे पूछा कि कितनी डेट्स चाहिए। सब फिक्स हो जाने के बाद शाहरुख खान ने फिल्म में अपना किरदार हिंदी और इंग्लिश में निभाया। आर माधवन ने बताया कि अपने कॉस्ट्यूम और असिस्टेंट के लिए शाहरुख ने कोई भी पैसे नहीं लिए थे। शाहरुख खान ने फिल्म में एक जर्नलिस्ट का रोल निभाया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट 1 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को आर माधवन ने ही लिखा और डायरेक्ट भी किया था। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश में भी रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन के जीवन पर बनाई गई है। नंबी को जासूसी के मामले में साल 1994 में गिरफ्तार कर लिया गया था और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी किया गया था। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं और फिल्म में नंबी ने खुद 15 मिनट का रोल भी किया। बहरहाल आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।